डेरा मुखी राम रहीम एक बार मुड़ चर्चा दे विच। दरअसल 21 दिनों की फरलो नू लैके हुण राम रहीम बाहर आ सकता है। इसे ते एसजीपीसी ने इतराज दिता है, जिते कि सवाल चुके ने कि राम रहीम नू 8 बार फरलो देना निंदण योग है। सिखा दे अंदर बेभरोसगी का माहौल पैदा किया जा रहा। बंदी सिंघा की रिहाई की आवाज़ नहीं सुन रही सरकार, जबकि फरलो देना सिखा नू बेगानगी का एहसास करवाना है। ये एसजीपीसी के शब्द ने, जिते कि राम रहीम नू 21 दिनों की फरलो जद मिली है उस तो बाद इसते इतराज़ जरूर जताया। हालांकि इसते एसजीपीसी इतराज़ क्यों कर रही है, इस नू समझ ले रही है, क्योंकि हाल ही दे विच राजू आणा ने जेल अंदरों चिट्ठी लिखी थी, जिस उन्होंने अपील जो है, जो रहम की अपील है, उसको वापस लेने की गल की, क्योंकि बद्दी सिंघा की रिहाई को लेकर उन्होंने कहा कि उनका जो मामला वह सिर्फ तो सिर्फ सियासत का शिकार हो। इसे दे चलते एसजीपीसी ने हाल के पंजाब के गवर्नर के साथ मुलाकात की, जिते कि उन्होंने सिग्नेचर किए हुए वो फॉर्म दिते जिस दे विच बद्दी सिंघा की रिहाई के लिए मांग की। इस तो बाद दे विच मुलाकात के लिए भी समय मंगया, पर मुलाकात नहीं हो पाई। इसे तो हुण जब ये पैरोल की गल सामने आई है, फरलो 21 दिनों की मिली है, हुण इस फरलो नू लैके एसजीपीसी ने इतराज जताया। दरअसल इस 21 दिनों की फरलो तो बाद हुण बाहर आ सकदा डेरा मुखी राम रहीम, जिते कि इस बार जब 21 दिनों की ये फरलो मिली है तो अजिहे दे विच यूपी के बागपत के बरवाना आश्रम च संभावना है कि उत्थे 21 दिन गुजारनगे। तो उस तो बाद ये भी कहा जा रहा है कि जो मूँह बोली बेटी है हनीप्रीत, वह भी इस दौरान आएगी। फरलो मंजूर होने तो बाद हालांकि डेरा प्रेमियों जरूर खुशी की लहर है, तो आश्रम आने वाले का भी हुण काफ़ी ज़्यादा तांता लग चुकिया, पर इसे दे नाल एसजीपीसी दे वल्लों इतराज़ यह जताया जा रहा है कि यह सब सिखा नू बेगानगी का एहसास करवाउण वाला, क्योंकि बद्दी सिंघा की रिहाई नहीं हो रही, तो इधर 8वीं वार फरलो दिती है जिस नू लैके निंदण योग है। तो यह गल नू लैके जरूर हुण विरोध किया, जिते कि गल करिए डेरा मुखी कई बार बाहर आ चुके हैं पहला भी, जिते कि सब तो पहला 30 दिनों की पैरोल मिली सी, जिते 17 जून 2022 पैरोल मिली, इस तो बाद वो बरवाना आश्रम च रहे। फिर गल करिए 18 जुलाई में वापस सुनारिया जेल चले गए, 88 दिनों के बाद फिर 15 अक्टूबर दूसरी बार फिर पैरोल मिली, उस तो बाद 25 नवंबर वापस सुनारिया जेल गए, 21 जनवरी 2023 फिर तीसरी बार 40 दिनों की पैरोल मिली, फिर बरवाना आश्रम रहे, तो फिर 3 मार्च में पैरोल पूरी करके सुनारिया वापस गए। इस तरीके 20 जुलाई में भी 30 दिन की पैरोल से इस तरह बाहर आए थे, जिते कि डेरा सच्चा सौदा मुखी राम रहीम ने काफ़ी गंभीर इल्जाम तहत रोहतक की सुनारिया जेल के सज़ा कट रहे हैं।